हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अमर ड्रीम न्यूज़ में। अमर ड्रीम न्यूज़ में बात करेंगे दोस्तों हम आज पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के होने वाले मैच की, जो दोस्तों बेनोनी में खेला जाएगा। दोस्तों हम बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ अभी तक 2-2 से, ये लास्ट मैच है, 2-2 से बराबरी पर है। दोस्तों आज ये T20 मैच का लास्ट मैच है सीरीज़ का, तो इसमें दोनों की टीमें कोशिश करेंगी विनिंग करने की। तो दोस्तों जो यहाँ तक अभी तक का स्कोर रहा है, पिछले मैच में जो ये बेनोनी में खेला गया था उसमें पाकिस्तान वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए थे दोस्तों, और बाद में साउथ अफ्रीका वोमेन ने वो स्कोर चेज कर दिया था 175 रन बना के। तो दोस्तों वहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है, तो आज भी मैच उसी पिच पे खेला जा रहा है। तो पिच कंडीशन वहाँ की, आप बल्लेबाज वहाँ से ज़्यादा लीजिए, ऑलराउंडर भी ज़्यादा लीजिए, और गेंदबाज आज की टीम में कम लीजिए। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें हम पाकिस्तान वोमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वोमेन की ड्रीम टीम की, तो दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए अब मैंने अलग से टीम बनाई है आपके लिए, और हेड टू हेड के लिए अलग से टीम बनाई है। दोस्तों पहले बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों आज आप सिद्रा नवाज के साथ जाइए, क्योंकि एस जाफ्ता को दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पिक किया है, क्योंकि इनकी पिछले मैच में बैटिंग की टर्न आ गई थी, इस मैच में इनकी बल्लेबाजी के आने के चांसेस बहुत कम है, और सिद्रा नवाज इस मैच में विकेट कीपिंग से एस जाफ्ता से ज़्यादा पॉइंट दे सकती है। दोस्तों आप बल्लेबाजी की बात करें तो जुएरिया खान आउट ऑफ फॉर्म है दोस्तों, तो इनको बहुत कम लोगों ने यहाँ से पिक किया है। ग्रैंड लीग के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसमें मस्ट पिक प्लेयर रहेगी दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। इनको आप अपनी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं वाई ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग में हमें ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने होते हैं जो बहुत कम लोगों ने लिए हो टीम में, तो अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो आप आसानी से ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। ले चलिए दोस्तों बहुत अच्छी ऑप्शन है, पिच वहाँ की बल्लेबाजी के लिए है, तो ये भी वाइस कैप्टन या कैप्टन के लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। बात यहाँ से कैप्टन की बात करें तो बिस्मा मारूफ जो कैप्टन है पाकिस्तान वुमेन की, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर है, इनको भी आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से बाकी जो हमारे पास ऑप्शन बचती है, और अमोनिया सहेल ये पिछले मैच में खेली नहीं, ये मैच में खेलेगी नहीं, तो इनको अपनी टीम में मत रखिएगा। एम डुफ्रीज, इनकी बैटिंग भी थोड़ी लेट आती है, तो इनको भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। इराम जावेद ने एक मैच अच्छा खेला था दोस्तों, जो तीसरा 2020 हुआ था उसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी किया था, लेकिन उसके बाद ये फ्लॉप है, तो इनको भी अपनी टीम में आप मत रखिएगा। यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन बचती है वो बचती है टी ब्रिट्स की, दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है टी ब्रिट्स, इनको आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। यहाँ से जो हमारा बैटिंग सेक्शन है, मैंने चार बल्लेबाजों को यहाँ से पिक किया है, क्योंकि ये ध्यान में रखते हैं कि वहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए सपोर्ट करती है। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करें दोस्तों तो मैरिजन कैप ये मैच नहीं खेल रही है, तो इनको हम अपनी टीम में नहीं लेंगे। यहाँ से दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो है निदा दार। दोस्तों निदा दार ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इनको 91% लोगों ने पिक किया है, और आज की टीम में मैक्सिमम लोगों ने इनको ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया होगा। तो दोस्तों अगर आज आपने ग्रैंड लीग जीतनी है तो इनको अपनी टीम में मत रखिए। अगर ये आज बैटिंग और बॉलिंग में फ्लॉप हो जाती है तो आप 100% दोस्तों, 101% दोस्तों आप ग्रैंड लीग जीतोगे फ्रेंड्स। तो आप दो टीमें बनाइए, एक टीम में इनको निदा दार को मत रखिए, और आप 100% आज दोस्तों विनिंग करोगे। तो दोस्तों मैंने भी क्या किया है, आज निदा दार को अपनी टीम में नहीं लिया हूँ, आप भी अपनी टीम में निदा दार को नहीं ले सकते हैं। अगर दो टीमें बनाएंगे तो दूसरी टीम में इनको कैप्टन ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक टीम आपको ऐसी बनानी होगी जिसमें निदा दार को आप मत लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचती है वो है एंडी क्लर्क, वन डाउन बैट्समैन है, और अपने कोटे के चार ओवर पूरे डालेगी, स्पिन गेंदबाज है, और बहुत अच्छी कैप्टन और वाइस कैप्टन की आज की ऑप्शन है। और दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन बचती है वो कैनत इम्तियाज़ की, कैनत इम्तियाज़ इतनी अच्छी प्लेयर है नहीं है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी ये नहीं करती ज़्यादा, दो ओवर में गेंदबाजी करेगी और बैटिंग में बहुत लेट खेलने आती है। दोस्तों यहाँ से कोलेट्रॉयन भी दोस्तों, इनकी बल्लेबाजी भी बहुत लेट आती है और गेंदबाजी डालती नहीं है आज के लिए, तो इनको भी आप अपनी टीम में मत लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन है सुनील लूस की आपके लिए और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि कैप्टन है साउथ अफ्रीका वुमेन की, बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी करेगी। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों आप यहाँ से एस इस्माइल को लीजिए, क्योंकि अपने कोटे के पूरे चार ओवर डालेगी, और यहाँ से अलिया रियाज दोस्तों बल्लेबाजी भी करती है और बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, ये भी ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा कि इनको आप अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बल्लेबाजी में भी ये जल्दी खेलने आ जाते हैं और बहुत अच्छे गेंदबाज भी है। यहाँ से दोस्तों जो अगली ऑप्शन बचती है आपके लिए वो है एम डेनियल्स।
जो दोस्तों यहाँ से बात करें अफसाना की, दोस्तों पिछले मैच हुआ था जो T20, उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इसने, तो मैक्सिमम लोगों ने इनको इस मैच में पिक किया है। देखिए दोस्तों 37% लोगों ने इनको इस मैच में पिक किया है, तो दोस्तों हम इस मैच में इनको ड्रॉप करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिया, उनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ग्रैंड लीग में दोस्तों मैच ऐसे प्लेयर लेने होते हैं जो किसी ने ना लिए हो, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है यहाँ से रमीन शमीम की। दोस्तों ये फ्लॉप रही है और ये गेंदबाजी भी बहुत कम डालती है, तो इनको हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे। दोस्तों यहाँ से खास ऑप्शन आपके पास बचती नहीं है, सिर्फ एम क्लास की एक ऑप्शन बचती है, बस बता क्लास, इनको भी बहुत कम लोगों ने लिया है। दोस्तों यहाँ से इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, मस्तबा क्लास को हम अपनी टीम में ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से टीम रहती है। अगर पाकिस्तान वो मैन ऑल आउट हो जाती है और साउथ अफ्रीका वो मैन बहुत अच्छा खेल जाती है, तो आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ से हम अली रियाज, जिसमें हमने नहीं ली है, अली रियाज को हम अपनी टीम में, मस्तबा एम डेनियल्स को दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिया होगा इनका, अगर ये फ्लॉप हो जाती है तो आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग में आप बहुत सारा विन करोगे, तो हम यहाँ से एम डेनियल्स को अपनी टीम में नहीं रखेंगे। एम डेनियल की जगह हम यहाँ से अली रियाज को अपनी टीम में ले लेते हैं, तो हमारा टीम का प्रयोग कुछ इस तरह से रह जाता है। इसमें जुबेरिया खान को आप वाइस कैप्टन बनाइए दोस्तों, क्योंकि जुबेरिया खान बहुत फ्लॉप रही है, अगर आज अच्छा खेल जाती है क्योंकि बैटिंग पिच है तो आप बहुत सारा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से जुबेरिया खान कैप्टन के लिए अच्छी एक अच्छी ऑप्शन है, और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों लेजेली भी एक अच्छी ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टॉस के बाद व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मैं अपनी टीमें डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ से ये तो रही हमारी ग्रैंड लीग की बात। ग्रैंड लीग में दोस्तों आप अली रियाज को भी कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और सुनील लूज़ या एंडी क्लर्क को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी ग्रैंड लीग की टीम, अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम जो हमारी हेड टू हेड के लिए टीम रहेगी वो किस तरह से रहेगी, उसका मैं आपको टीम प्रीव्यू दिखाता हूँ। दोस्तों जो हेड टू हेड के लिए हमारी टीम रहेगी उसमें हमारी नीदादर को हम लेते हैं, क्योंकि नीदादर मैक्सिमम लोगों ने ली होगी। हेड टू हेड के लिए क्या रहता है दोस्तों कि नीदादर सबकी टीम में रहेगी, तो इनको हम अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना लेते हैं। वैसे इनके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज, तो आप इनको अपनी टीम का कैप्टन मत लीजिए, इनको अपनी टीम में आप सिंपल रखिए। और इनको इनकी जगह अगर आप सुनील लूज़ का रिस्क ले सकते हैं हेड टू हेड में, तो आप आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों अपनी टीम में इनको हेड टू हेड में आप वाइस कैप्टन रखने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, या यहाँ से वाइस कैप्टन के लिए आप कैप्टन एंडी क्लर्क और वाइस कैप्टन लीजे ली के साथ जल्दी, क्योंकि नीदादर को आज फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कैप्टन आप मत लीजिए नीदादर को, कैप्टन आपने नहीं लेनी है आज ये, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों ने आज कैप्टन ली होगी, तो दोस्तों आपके पास यहाँ से जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए मैच में नए शो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।